भीलवाड़ा में अमृत महोत्सव को लेकर आज नगर परिषद द्वारा निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा से शहर पूरी तरह देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आया। देशभक्ति के गीतों के बीच आज हर कोई झूमता दिखा। जहां जहां से तिरंगा यात्रा गुजरी वहां लोगों ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। समापन से कुछ पहले तेज बारिश शुरू हो गई, जो भी तिरंगा लेकर चल रहे लोगों को डिगा नहीं सकी। वहीं वापस नगर परिषद पहुंची तिरंगा यात्रा के बाद वहां बरसात में विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, महिला पार्षद और अन्य देशभक्ति के गीतों पर थिरकते नजर आए। नगर परिषद परिसर से 3 बजे बाद तिरंगा यात्रा बैंड बाजों के साथ सभापति राकेश पाठक और उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र दायमा के झंडे दिखाने के साथ रवाना हुई। यात्रा में करीब 1800 लोग शामिल हुए, जिनके हाथों में तिरंगा लहराता हुआ एक अलग ही देशभक्ति का नज़ारा पेश कर रहा था। नगर परिषद से रवाना हुई यह तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस यात्रा में पुलिस बैंड के साथ ही 3 अन्य बैंड 5 घोड़े भी शामिल थे। देशभक्ति गीतों और नारों से ओतप्रोत यह तिरंगा यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरी उन क्षेत्रों में लोगों ने गर्म जोशी से स्वागत किया। इस मौके पर सभापति राकेश पाठक ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज देशभर के साथ बिलौना अमृत महोत्सव मना रही है। नगर परिषद का पूरा परिवार देशभक्ति में रंगा हुआ नजर आया। तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर नगर परिषद पहुंची, जहां देश के प्रति शपथ ली गई। परिषद के अलावा देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और भीलवाड़ा नगर परिषद परिवार भी इस महोत्सव को धूमधाम से मना रहा है। पूरा नगर परिषद का परिवार देशभक्ति के प्रेम में सरोवर है, देश प्रेम में डूबा हुआ है और इस कड़ी में आज भीलवाड़ा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होती हुई भीलवाड़ा नगर परिषद परिवार की ये तिरंगा यात्रा विशाल निकलने जा रही है, जिसमें लगभग हमारे 2000 कर्मचारी, हमारे जनप्रतिनिधि सब शामिल होंगे और मुख्य बाजारों से होती हुई ये यात्रा पुनः नगर परिषद प्रांगण में आकर पूर्ण होगी और हम सब कर्मचारी एक साथ शपथ लेंगे। हमने ये सौभाग्य नहीं दिया कि हम देश के लिए मर सके, लेकिन हम देश के लिए जी सके, यही हमारा सौभाग्य होगा।